Hey guys, welcome back again to our town Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर 1, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और प्रभास की अपकमिंग फिल्मों के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही फिल्मों ने जबरदस्त एडवांस बुकिंग के आंकड़े पेश किए हैं। Secnal.com की एक रिपोर्ट की माने तो किंग खान की मूवी डंकी ने अब तक 1,44,830 टिकट बेच दिए हैं, जिसके साथ इस फिल्म की ग्रॉस बिक्री के आंकड़े 4.46 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गए हैं। वही प्रभास स्टारर मूवी सालार ने डंकी से ज्यादा 1,53,705 टिकट बेचे हैं। बावजूद इसके मूवी सिनेमाघरों में अभी सिर्फ 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग दर्ज करवा सकी है। इसकी बड़ी वजह साउथ राज्यों में टिकट कीमतों पर लगाई रोक है, जो हिंदी बेल्ट के मुकाबले में सस्ती है। नंबर 2, शाहरुख खान फिल्म डंकी के प्रमोशन के लिए दुबई में है। दुबई के एक इवेंट से शाहरुख खान के कई सारे डांस वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में शाहरुख खान फिल्म डंकी के लुटपुट गया गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में किंग खान ने छैया छैया पर ठुमके लगाए हैं। बता दें कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान के साथ साथ तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में आपको एक्शन, कॉमेडी और लव स्टोरी सब कुछ देखने को मिलने वाला है। नंबर 3, शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुबई में फिल्म डंकी के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान का फैंस ने हाथ पकड़ लिया। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान इवेंट के दौरान अपने फैंस के बीच जाकर मिलते हैं और उनके साथ हाथ मिलाते हैं। शाहरुख खान को अपने बीच पाकर फैंस गदगद हो जाते हैं। इस दौरान एक फैन शाहरुख खान का हाथ पकड़ लेता है और जाने से इनकार कर देता है, और इस दौरान एक्टर को अपने हाथ छुड़ाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करते हुए देखा जा सकता है। शाहरुख खान का ये वीडियो सामने आने के बाद फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। नंबर 4, शाहरुख खान अभी हाल ही में फिल्म डंकी के प्रमोशन के लिए दुबई पहुंचे हैं। शाहरुख खान का यहां से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शाहरुख खान फिल्म की कहानी को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हाल ही में एक इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने फिल्म डंकी को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने कहानी पर कहा, मुझे नहीं लगता है कि राजकुमार हिरानी ने पहले कभी ऐसी फिल्म बनाई होगी। इस फिल्म में एक्शन भी है, लव स्टोरी भी, जो पहले उनकी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है। ये फिल्म आपके दिलों को छू जाएगी। नंबर 5, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस तनुजा से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक्ट्रेस को तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अजय देवगन की सासू मां अस्पताल में इलाज करा रही है। एक्ट्रेस को डॉक्टर्स ने ICU में एडमिट किया हुआ है। खबरों में बताया जा रहा है कि तनुजा को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते एक्ट्रेस को रविवार की शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब एक्ट्रेस की तबीयत पहले से ठीक है और काफी ज्यादा सुधार है। नंबर 6, सैफ अली खान का अभी हाल ही में एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सैफ अली खान स्टाफ मेंबर संग बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सैफ अली खान अपने स्टाफ मेंबर संग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सैफ अली खान का अंदाज एकदम अलग दिखाई दे रहा है। सैफ अली खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के दौरान जब बात बढ़ती हुई दिखाई दी, तब करीना कपूर बीच बचाव करती हुई भी नजर आई। इसके बाद मामला शांत हो गया। नंबर 7, सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की कार का भी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे के दौरान एक्टर कार में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए। खबरों के मुताबिक आयुष शर्मा की कार को टक्कर मारने वाले के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी गई है। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि आयुष शर्मा के ड्राइवर को भी इस हादसे के दौरान कोई चोट नहीं आई है। आयुष शर्मा की कार का एक्सीडेंट होने की खबर आने के बाद फैंस परेशान हो गए हैं। ये हादसा मुंबई में हुआ है। नंबर 8, श्रेयस तलपड़े की हेल्थ को लेकर उनके करीबी दोस्त और एक्टर सोहम शाह ने बड़ा अपडेट दिया है। सोहम शाह ने बताया है कि एक्टर कब अस्पताल से घर आएंगे। सोहम शाह ने एक्टर की हेल्थ के बारे में बताया है, साथ ही साथ जानकारी दी है कि एक्टर अपने घर जल्द ही लौटने वाले हैं। सोहम शाह ने कहा कि अब उनकी हेल्थ पहले से ठीक है। अब डॉक्टर्स ने बोला है कि श्रेयस तलपड़े आज यानी कि 18 दिसंबर के दिन घर ले जाया जा सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद श्रेयस तलपड़े के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है कि श्रेयस तलपड़े को डिस्चार्ज कर दिया गया है। नंबर 9, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को सेंसर बोर्ड के जरिए पास कर दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने कुछ कट के साथ फिल्म को पास कर दिया है। आपको बता दें कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने US सर्टिफिकेट दिया है। इसके बाद अब फिल्म का रन टाइम भी सामने आ गया है। फिल्म का कुल रन टाइम 2 घंटे 41 मिनट बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक फिल्म में इस्तेमाल किया गया शब्द अप्रवासी बदला गया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म की शुरुआत और बीच में धूम्रपान विरोधी चेतावनी लगाने के लिए कहा है। एक सीन में हार्डी यानी शाहरुख खान वर्दी में घोड़े पर बैठे दिखाई देते हैं। सीन को सेंसर बोर्ड ने बदलवा दिया है। नंबर 10,
सुपरस्टार कमल हासन और खलापति विजय के साथ काम करने के बाद साउथ सुपरस्टार डायरेक्टर लोकेश कनगराज अपनी अगली फिल्म में रजनीकांत को डायरेक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपकमिंग फिल्म जिसे फिलहाल थलाइवर 171 के नाम से जाना जा रहा है में लीड रोल में रजनीकांत होंगे और ये उनकी 171वीं फिल्म होगी। फिल्म आधिकारिक तौर पर सितंबर में घोषित की गई थी और अगले साल अप्रैल में शूटिंग शुरू होगी। सामने आ रही रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने फिल्म में कैमियो के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया। दरअसल शाहरुख खान ब्रह्मास्त्र, रॉक 3 और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में कैमियो करने के बाद अब दोबारा ऐसा रोल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर 3-2 में एक और हसीना की एंट्री होने जा रही है लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में वो एक्टिंग करती नजर नहीं आने वाली है। फिल्म में वो एक स्पेशल सॉन्ग में लटके छटके दिखाती नजर आएंगी। एक स्पेशल आइटम सॉन्ग फिल्म के लिए तैयार किया जा रहा है जिसमें इस बार तमन्ना भाटिया परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी। बता दें कि जहां कमरिया गाने में नौरा फतेही ने खूब बिजलियां गिराई तो वहीं आओ कभी हवेली पे गाने में कृति सेनन का जादू सिर पर खूब चढ़कर बोला था। कुछ समय पहले ही स्त्री 2 की शूटिंग मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुई जिसकी जानकारी खुद फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने दी थी। नंबर 12। मशहूर डायरेक्टर एस एस राजामौली ने हाल ही में प्रभास की आने वाली फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर का पहला टिकट खरीदा। फिल्म निर्माता ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में ये टिकट खरीदा। इस दौरान फिल्म के एक्टर प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन भी साथ नजर आए। प्रोडक्शन हाउस होम वाले फिल्म्स ने इस खास पल को दुनिया के सामने लाते हुए राजामौली की एक तस्वीर ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है। इस फोटो में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ राजामौली और एक विशाल टिकट के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में लिखा हुआ है, महान डायरेक्टर एस एस राजामौली गारू ने निजाम में सालार सीज फायर का पहला टिकट खरीदा। नंबर 13। साउथ स्टार श्री मुरली की अपकमिंग फिल्म बघीरा का टीजर रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स ने फैंस को ये सौगात सुपरस्टार के जन्मदिन के मौके पर दी। वहीं टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर इस टीजर के सामने आने के बाद दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब हर किसी को मुरली की फिल्म बघीरा की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आ रहे हैं। हालांकि टीजर में एक्टर का पूरा चेहरा नहीं दिखाया गया है। दरअसल मुरली के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है जिसमें से सिर्फ उनकी आंखें नजर आती हैं। नंबर 14। नीता अंबानी के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में कई बॉलीवुड सेलिब्स अपने बच्चों के साथ पहुंचे। इस मौके पर ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन भी अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आए। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की वायरल हो रही फोटोज में तलाक की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। बता दें कि तलाक की खबरों के बीच धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच ट्यूनिंग भी देखने को मिली। इस मौके पर आराध्या ने अपनी स्माइल से सभी का दिल जीत लिया। नंबर 15। शाहरुख खान अपने छोटे लाडले को एनुअल डे पर परफॉर्म करता देख इमोशनल हो गए थे। शाहरुख खान ऑडियंस पे बैठकर चुपके चुपके अपने आंसू जब पोंछ रहे थे तो उनकी बेटी सुहाना एक्टर उन्हें निहारती हुई नजर आ रही थी। वीडियो में शाहरुख खान और गौरी अपने बेटे को स्टेज पर देखकर खूब प्राउड फील करते नजर आ रहे हैं। सिर्फ प्राउड ही नहीं, शाहरुख अपने छोटे लाडले को स्टेज पर देखकर कुछ इमोशनल भी हो जाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और हर कोई शाहरुख के इस फादर मोमेंट को जमकर एंजॉय कर रहा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।